हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया से होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये जो है एक DDC पैनल है। तो इसमें जो है आप लोग देखेंगे अलर्टन का VLC सीरीज का जो है DDC पैनल लगा हुआ है, कंट्रोलर लगा हुआ है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि जो DO का कनेक्शन होता है वो कैसे होता है। तो सबसे पहले जो है DO का कनेक्शन करने के लिए हम लोग को पता होना चाहिए ये जो कंट्रोलर है इसमें DO का वायरिंग जो है कहाँ पे होता है। तो ये जितना भी कंट्रोलर है मैं ऑलरेडी इस पर वीडियो बनाया हूँ कि इसमें जो है कहाँ पे हम लोग एनालॉग इनपुट, कहाँ पे डिजिटल इनपुट, कहाँ पे एनालॉग आउटपुट कनेक्ट करते हैं, पूरा जो सिग्नल के बारे में मैं वीडियो बनाया हूँ। तो आप लोग उस वीडियो को देखिए तो आप लोगों को पूरा पता चल जाएगा कि जितना भी सिग्नल होता है उसमें कौन सा कंट्रोलर में कैसे हम लोग पहचानेंगे, कैसे उसका कनेक्शन करेंगे, मैं ऑलरेडी वीडियो बनाया हूँ। तो इसमें हम लोग देखेंगे इस कंट्रोलर में कि यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो 16 ये यूनिवर्सल इनपुट है और 16 जो है DO का है, इसमें 0 जो है AO का है, इसमें जो है खाली DI का है, इसमें जो है 8 जो है यूनिवर्सल इनपुट है। यूनिवर्सल इनपुट में हम लोग डिजिटल इनपुट एनालॉग इनपुट दोनों कनेक्ट कर सकते हैं। 5 इसमें क्या है DO का है, 3 जो है AO का है। तो इसमें जो है आप लोग देखेंगे कि DO इसमें मिल रहा है और जो है आप लोग देख सकते हैं इसमें मिल रहा है। तो हम लोग कोई कंट्रोलर ले लेंगे, दोनों में से कोई भी कंट्रोलर ले के क्या करेंगे इसका जो है वायरिंग देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें अगर आप लोग देखेंगे 16 जो है क्या है DI है, तो यानी 1 से अगर आप लोग कंट्रोलर पर देखेंगे 1 से लेकर 16 तक ये जो है DI है, इस पर पूरा जो है इन लिखा हुआ है। आप लोग देख सकते हैं ये जो है 15 और 16, ये 11 है फिर 15 16, यहाँ तक 16 है। तो इस साइड जो है आप लोग देख सकते हैं पूरा AI का है। हम लोग दूसरा साइड देखेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 28 24 वोल्ट, उसके बाद ग्राउंड है, उसके बाद आप लोग देख सकते हैं BO है, यानी बाइनरी जो है आउटपुट है, यानी यही जो है DO का है, डिजिटल आउटपुट का है। तो जितना भी वायरिंग होगा यहाँ पे होगा। तो मैं आप लोग को ड्राइंग दिखाता हूँ फिर उसका कनेक्शन जो है कैसे होता है आप लोग को मैं बताता हूँ। तो DO आप लोग को पता होना चाहिए क्यों यूज किया जाता है, कि जितना भी हमारा फील्ड का इक्विपमेंट होता है जिसको स्टार्ट स्टॉप करने के लिए हम लोग क्या करते हैं DO का यूज करते हैं। यानी हम लोग यहाँ से कमांड देते हैं, जो हमारा DDC पैनल होता है यहाँ से हम लोग कमांड देंगे तो हमारा इक्विपमेंट ऑन होगा। तो BMS SCADA या HMI के थ्रू क्या करते हैं हम लोग कमांड देते हैं, या किसी सेंसर स्विच वगैरह का यूज करके हम लोग क्या करते हैं कमांड देते हैं, तो हमारा DDC जो है क्या करता है रिले को ऑन करता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रिले लगा हुआ है, आप लोग कहीं भी DDC में जाएंगे तो रिले लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है DO के लिए यूज किया जाता है। तो ये क्या करता है यहाँ से कमांड देके रिले को ऑन करता है, और रिले जो होता है वो ऑन होता है तो हमारा फील्ड का जो है वायर आता है वो फील्ड से वो क्या कराया जाता है यहाँ पे शॉर्ट कराया जाता है। सिंपल था, मैं आप लोग को आगे बताऊँगा तो और पता अच्छा से चलेगा। तो मैं पहले आप लोग को ड्राइंग दिखा देता हूँ फिर उसके बाद में ये जो वायरिंग है इसको बताता हूँ। तो अगर आप लोग देखेंगे तो कंट्रोलर 16 16 0, यानी इसी में है, आप लोग देख सकते हैं ये जो पूरा ड्राइंग जो है इसका बना हुआ है। तो हम लोग देखेंगे 28 29, इधर जो था आप लोग देखेंगे कितना था यूनिवर्सल इनपुट था, यानी डिजिटल इनपुट और एनालॉग इनपुट का, हम लोग को देखना है DO का। तो DO का अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पे 28 29, क्या है ये हमारा जो है इसमें 24 वोल्ट हम लोग डालेंगे, और इसमें जो है एक जो है हम लोग क्या करेंगे 0 वोल्ट डालेंगे, और 0 वोल्ट डालने के बाद अगर आप लोग ड्राइंग देखेंगे तो क्या हो रहा है इसमें 0 वोल्ट और ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद में यहाँ से जो है हमारा रिले आउटपुट यानी DO का यूज हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं 30 नंबर जा रहा है, कहाँ पर जा रहा है 50 नंबर में आप लोग देख सकते हैं, और यहाँ पर B1 B2 B3 B4 B5 B6, ये जो है रिले का A2 का पॉइंट है, ये रिले का A2 है, और ये जो है A1 में जा रहा है। आप लोग देख सकते हैं जितना भी है 50 51 52, ये हमारा एक एक टर्मिनल से आप लोग देख सकते हैं ये हमारा रिले का A1 में जा रहा है, और इसमें न्यूट्रल जो है 0 वोल्ट जो है क्या हो रहा है यहाँ पे आप लोग देखेंगे डाला हुआ है। 24 वोल्ट का यूज करके यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कॉमन में जो है 24 वोल्ट डालेंगे कॉमन में, और ये जो है 0 वोल्ट इसमें डाल के, और यहीं से लूप करके अगर आप लोग देखेंगे यहीं से लूप करके ये जो है पूरा रिले में गया हुआ है, ये हमारा 0 वोल्ट रिले का A2 में चला गया है, और A1 में हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ से 28 नंबर में जो डाल रहे हैं वही जो है जब हम लोग कमांड देंगे तो रिले ऑन होगा। जो रिले को ऑन करेंगे हम लोग BMS SCADA HMI से या किसी सेंसर का यूज करके उस टाइम में क्या होगा ये ऑन होगा। तो ये ऑन होगा तो क्या होगा अगर आप लोग आगे देखेंगे तो ये रिले का NO पॉइंट जितना भी है यूज किया गया है, आप लोग देखेंगे ये जो है 36 37 38 39, ये NO में ये रिले 1 2 3 आप लोग देख सकते हैं। तो ये पूरा जो है NO का टर्मिनल यूज करके ये फील्ड का डिवाइस है, आप लोग देख सकते हैं पंप का PDS
पंप को ऑन करने के लिए, पंप टू को ऑन करने के लिए, फिर पंप टू का वन टू आप लोग देख सकते हैं जितना भी है पंप को स्टार्ट स्टॉप करने के लिए यूज किया जा रहा है। तो फील्ड का डिवाइस जो है यहाँ पे क्या हो रहा है कि दोनों ये फील्ड का डिवाइस है, इसका एक 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 जो है वायर आ रहा है यहाँ पर रिले में शॉर्ट होकर फिर वापस जाके उसको स्टार्ट कर रहा है, एक आ रहा है फिर स्टार्ट करके जो है रिले से स्टार्ट हो रहा है वो जा रहा है। एनओ यूज होता है जैसे रिले ऑन होता है तो ये जो है हमारा स्टार्ट हो जाता है। आगे मैं आप लोग को कनेक्शन दिखाता हूँ, आप लोग को समझ में आ जाएगा, आप लोग को कोई फॉल्ट भी होगा तो कैसे पहचान सकते हैं मैं आप लोग को बताने वाला हूँ, फॉल्ट भी आएगा तो आप लोग इजीली जो है ढूंढ सकते हैं, कैसे ढूंढेंगे मैं वो भी बताऊँगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जैसे मैं आप लोग को कनेक्शन दिखाया, ये जो है सी वन है, ये जो है यहाँ पे अगर ड्रॉइंग में आप लोग देखेंगे तो फ्यूज टू आप लोग देख सकते हैं, सी वन में फ्यूज टू से आ रहा है और ये जो है फ्यूज वन से, ये जो है आप लोग देख सकते हैं एक आ रहा है फ्यूज वन से, न्यूट्रल जो है फ्यूज वन से यूज किया जा रहा है। तो देखेंगे यहाँ से फ्यूज एक जो है वन से एक फ्यूज टू से इसमें कनेक्शन हुआ है। तो ये जो है फेज आप लोग देख सकते हैं सी जो है जा रहा है सी वन में, यानी ये यहाँ पे चैनल वन में जा रहा है, ये फेज है। फिर यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे एक नंबर जो है न्यूट्रल है, ये जो है ये ट्रांसफार्मर से आ रहा है, यहाँ पे आप लोग देखेंगे 24 वोल्ट, ये जो है 24 वोल्ट यहाँ पे यूज किया जा रहा है सप्लाई के लिए जो हमारा ट्रांसफार्मर यूज हो रहा है, तो यहाँ से ट्रांसफार्मर में आ रहा है और यहीं से जो है यहाँ पे आप लोग देखेंगे और ये जो है आप लोग देखेंगे क्या है कि 0 वोल्ट है, ये 0 वोल्ट है, तो ये कनेक्शन हो गया है, यानी इसमें क्या है कि इसमें हम लोग सप्लाई दे दिए और यहाँ से जो है दो आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे लूप किया हुआ है, तो इसी में से ये जो 0 है आप लोग देखेंगे आया हुआ है, ये रिले का एक 0 है आप लोग देख सकते हैं A2 में, 14 नंबर जो है A2 है, फिर इसमें इसका A2 में आप लोग देख सकते हैं 14 नंबर जो है A2 है, A2 टर्मिनल है, फिर यहाँ पे A2 टर्मिनल है, तो जितना भी 0 है आप लोग देख सकते हैं 0 0 0 जितना भी है ये लूप किया हुआ है, सिंपल सा इसी में से लूप कर दिया गया है। फिर क्या हो रहा है कि यहाँ से आप लोग देखेंगे 110 11 12 13 14 यहाँ कितना है, 5 है, 5 कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 होगा, तो 6 यूज हो रहा है, 2 जो है स्पेयर है, 6 जो है एक एक वायर इसमें से निकल रहा है। कहीं कहीं पे DDC में अगर आप लोग जाएंगे तो क्या होगा कि एक एक जो है यहाँ पे जैसे यहाँ पे 0 डाला हुआ है, जैसे C1 एक डाला हुआ है, फिर यहाँ पे एक, फिर यहाँ कॉमन में डाल के फिर आउट किया जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि एक ही डाल के एक एक जो है आउट हो रहा है, तो DDC का डिजाइनिंग पे डिपेंड होता है, तो आप लोग को देखना पड़ेगा कि उसका डिजाइनिंग जो है कैसे हुआ है, वहाँ पे कैसे कनेक्शन हम लोग कर रहे हैं, तो उस पे लिखा रहता है कॉमन में, हम लोग वहाँ पे लिखा रहता है कॉमन में हम लोग सप्लाई डाल के एक आउट करते हैं, लेकिन यहाँ एक ही जो कॉमन है और इसी से पूरा जो है आउट हो रहा है, यानी ये इंटरनली क्या होता है कनेक्टेड रहता है, शॉर्ट रहता है। तो वही जो है आप लोग देखेंगे 110 11 12 13 14 पूरा आ रहा है, तो जैसे जो है हमारा सेंसर एक्टिवेट होगा या हम लोग BMS से स्काडा से या जो है HMI से जो कमांड डालेंगे तो हमारा ये जो है रिले ऑन होगा, और रिले ऑन हुआ तो रिले का NO है आप लोग देख सकते हैं ये 36 नंबर और ये जो है 37 नंबर, वैसे ये 38 नंबर और ये जो है 39 नंबर, वैसे 40 41, ये पूरा जो है NO में कनेक्ट है। अगर आप लोग रिले का टर्मिनल देखेंगे तो यहाँ पे क्या होता है कि मान लीजिए इसमें एक जो है ये NO का है, कॉमन का है, तो ये NO का है, ये NC का है, तो ये लास्ट वाला जितना भी है इसमें NC है, ये NO का है, ये जो है कॉमन का है, कॉमन में हम लोग सप्लाई देते हैं, अगर NO का ज़रूरत पड़ता है तो NO लेते हैं, NC का ज़रूरत पड़ता है तो NC लेते हैं, तो वही जो है यहाँ पूरा जो है NO यूज किया जा रहा है, क्योंकि स्टार्ट स्टॉप कराने के लिए NO ही यूज किया जाता है। ये जो है नॉर्मली जो है हमारा क्या होता है NO रहता है, यानी ओपन रहता है, जैसे हमारा रिले स्टार्ट होता है ये ऑन होता है। तो यहाँ से 36 37 अगर आप लोग देखेंगे तो TV में आकर के कनेक्ट हुआ है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 33 यहाँ पे 36 37 38 39 40, ये जितना भी है क्या है कि हमारा NO का है, तो ये फील्ड से आया हुआ है आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा यहाँ से TV में कनेक्ट हो रहा है, डायरेक्ट हमारा जो है रिले में कनेक्ट नहीं हो रहा है, पहले TV में, कहीं भी अगर आप लोग जाएंगे तो जितना भी फील्ड का डिवाइस होता है वो TV में कनेक्ट होता है, उस पर टैग लिखा रहता है। कहीं कहीं पर क्या होता है कि ये जो TV है पूरा AI का DI का एनालॉग इनपुट पूरा डिजिटल आउटपुट पूरा जो है सेपरेट TV रहता है, लेकिन यहाँ जो है सिर्फ नंबरिंग से है। तो आप लोग को अगर ढूंढना है तो क्या करना पड़ेगा कि फील्ड का जो टैग है, मान लीजिए ये जो फील्ड में यहाँ पे जो टैग है 40 नंबर, वही जो है हमारा क्या होगा यहाँ पे मिल जाएगा। अगर कोई इशू होता है, मान लीजिए कोई इक्विपमेंट है स्टार्ट स्टॉप नहीं हो रहा है, तो जो भी हम लोग वहाँ पे स्टार्ट स्टॉप करने के लिए इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं या जो टर्मिनल वहाँ पे जा रहा है सप्लाई स्टार्ट स्टॉप करने के लिए, वहाँ पे रिले वगैरह जो रहता है उसी को हम लोग क्या करते हैं स्टार्ट स्टॉप करते हैं, या
उसमें हम लोग सप्लाई देते हैं, तो क्या होता है कि यहाँ पे वो टैग जो है वहाँ पे मिलेगा, वो जो टैग है हम लोग या आकर के यहाँ पे देखते हैं। मान लीजिए ये 40 नंबर हम लोग को वहाँ पे दिया हुआ है, तो वो आएगा यहाँ पे 40 नंबर जो है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, और 39 नंबर, तो ये जो है जा रहा है। और सिंपल सा ये कहाँ जा रहा है, रिले में जा रहा है। तो आप लोग को वो टैग जो है रिले का एनो में ढूंढना है, फील्ड का जो भी डिवाइस का टैग है वो रिले का एनो में ढूंढना है। रिले का एनो में ढूंढने के बाद में आप लोग को पता चल जाएगा कौन सा रिले उसके लिए है। फिर उसके बाद में आप लोग क्या कर सकते हैं कि उस रिले को क्या करेंगे, चेक करेंगे कि वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या उसका कनेक्शन लूज है, यहाँ पे कनेक्शन जो किया हुआ है लूज है। तो ज़्यादातर DDC में क्या होता है, रिले वगैरह फॉल्टी होता है, नहीं तो कनेक्शन लूज होता है, ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं आता है। तो आप लोग उस रिले को क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, या बाईपास करके, मान लीजिए ये रिले नहीं है, रिले ऑन नहीं हो रहा है, तो बाईपास करके चेक कर सकते हैं, शॉर्ट करके चेक कर सकते हैं कि हमारा फील्ड का इक्विपमेंट है वो स्टार्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर यहाँ से अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे जो भी कनेक्शन वगैरह है चेक कर सकते हैं। तो बहुत आसान होता है इसका फॉल्ट वगैरह भी ढूंढना। तो सिंपल सा आप लोग को ये पता चल गया होगा, सिंपल सा इसमें प्रोसेस होता है। फील्ड का डिवाइस हमारा रिले का एनो में कनेक्ट हो जाता है, और DDC से जो है हम लोग क्या करते हैं, रिले को ऑन कर देते हैं। इसमें से फेज डाल के हम लोग रिले का A1 में डाल देते हैं, और न्यूट्रल जो है डायरेक्ट हम लोग कहीं से भी लूप कर सकते हैं। न्यूट्रल 0 वोल्ट जो रहता है कहीं से क्या करेंगे, A2 में पूरा में लूप कर देते हैं, और एक वायर जो है हमारा DDC से आके A2 को जो है एनर्जाइज करता है। तो सिंपल सा प्रोसेस है, आप लोग को ये जो है पता चला होगा कि जो ये DDC का कंट्रोलर है और ये DDC पैनल में कैसे जो है DO का कनेक्शन हुआ है। अगर आप लोग को इसमें कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ आप लोगों के पास टाइम पे पहुँचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।